Welcome to your academy, MUNI sir. Class 9 के सभी students का मैं अपने YouTube channel पर स्वागत करता हूँ. My dear students, कल के वीडियो में मैंने तूफान बेहैड का जो है पैराग्राफ 4 तक एक्सप्लेन किया था. आज डियर स्टूडेंट्स हम लोग उस पैराग्राफ के बाद जो फिफ्थ पैराग्राफ है वहां से आज का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं. तो आप सभी स्टूडेंट्स इसे ध्यान से सुनेंगे. कल क्या हुआ था आपको पता है डियर स्टूडेंट्स? यदि आपने पहले वाला वीडियो लेक्चर 1 वाला वीडियो नहीं देखा है तो अवश्य देख लें, तब यह दूसरा लेक्चर आप देखेंगे तो समझ में आएगा. ऐसे मैं बता देता हूँ, यह जो स्टोरी है द फन एक काल्पनिक कहानी है जो बेस्ड है फ्यूचर पर. 2157 की बात यहाँ पर की गई है और लेखक जो आइज़क आसिमोव है उनकी कल्पना है कि एक जमाना आ जाएगा 2157 में जब किताबें कागज पर छपी हुई नहीं होंगी और आज जैसा स्कूल है वह स्कूल भी नहीं होगा. बच्चों को पढ़ाने वाला टीचर कोई मैन नहीं होगा बल्कि रोबोटिक टीचर होगा. तो डियर स्टूडेंट्स इसी में क्या हो रहा है कि टॉमी और मार्गी जो है दो मेन कैरेक्टर हैं. तो मार्गी अपनी डायरी में लिखती है कि टॉमी को एक रियल बुक मिला, ठीक है. रियल बुक मतलब आज वाली किताब जो कागज पर छपी है, ठीक है. अब देख, अब दोनों में बातचीत होती है मार्गी और टॉमी में. मार्गी पूछती है कि टॉमी यह किताब तुम्हें कहाँ से मिली, इसमें क्या कुछ लिखा हुआ है, ठीक है. तो टॉमी उसको बता देता है कि यह किताब मुझे एटिक पर मिली है मेरे घर में और यह स्कूल के बारे में. तो मार्गी नाराज हो जाती है क्योंकि मार्गी को स्कूल से नफरत है और नफरत होने का कारण क्या था कि उनका जो मैकेनिकल टीचर था वह ज्योग्राफी में उनको टेस्ट आफ्टर टेस्ट यानी बार बार उनका टेस्ट लेते जा रहे थे और उनका मार्क्स जो है डिटेरियोरेट होता जा रहा था, यानी काम से कम होता जा रहा. तो उसकी मम्मी ने फिर मैकेनिकल टीचर को ठीक करने के लिए एक मैकेनिक को बुलाया जिसका नाम है द काउंटी इंस्पेक्टर, ठीक है. अब द काउंटी इंस्पेक्टर कैसा था? लिटिल मैन था, एक नाटे कद का हेड फेस था उनका और उनके पास पूरा बॉक्स ऑफ टूल्स है, डायल्स है, वायर्स है, सब कुछ है. पूरा साजो सामान के साथ वो आता है, मार्गी को जो है शाबाशी देता है वह, ठीक है. उनको पैक करता है यानी उनको ठीक है उनके माथे पर चाल लाता है माथे को और उनको एक एप्पल देता है, ठीक है. ये सब कुछ हम लोगों ने देखा था इसी पैराग्राफ को. तो डियर स्टूडेंट्स आज का लेसन ठीक है. The inspector had smiled after he was finished and patted Margie's head. So, dear students, यहाँ जो the inspector है वही mechanic, the county inspector, ठीक है. Had smiled, देखो ना past perfect tense का प्रयोग हो गया. वह मुस्कुराया था कब, यानी वह मुस्कुराया कब, after he was finished, यानी जब उसने finish कर लिया, यानी जो मैकेनिकल टीचर था उसको जब अच्छी तरह से सजा दिया, ठीक कर दिया और तब उस इंस्पेक्टर फिर वह मुस्कुराया और पैटेड मार्गी, मार्गी का माथा सहलाया, सेड टू हर मदर. और उस काउंटी इंस्पेक्टर ने मार्गी की माँ से कहा, इट्स नॉट द लिटिल गर्ल्स ऑल मिसेस जोन्स, यानी काउंटी इंस्पेक्टर ने कह दिया कि मिसेस जोन्स जो कि माँ है मार्गी का,
है, क्या कहा इसमें बच्ची का दोष नहीं है, लिटिल गर्ल यानी मार्गी, ठीक है, मार्गी का फॉल्ट नहीं है, फॉल्ट मतलब दोष। आई थिंक द ज्योग्राफी सेक्टर वॉज हियर द लुकिंग टू ठीक, मुझे लगता है कि ज्योग्राफी सेक्टर यानी सेक्टर का हिस्सा खंड जिसमें ज्योग्राफी का लेसन पढ़ाया जाता था, तो कहता है गियर्ड अ लिटिल टू क्विक, गियर्ड मतलब चलना, ठीक है, अ लिटिल टू क्विक यानी थोड़ा तेज चल रहा था, उनकी स्पीड में भाग रहा था ज्योग्राफी सेक्टर। दोज थिंग्स हैपन समटाइम्स, और कहा ऐसी बातें ऐसी चीजें कभी कभी हो जाती। आई हैव स्लोड इट अप टू एन एवरेज 10 ईयर, कहता है मैंने इसकी गति को धीमी कर, ठीक है, स्लोड इट अप टू एन एवरेज 10 ईयर, कितनी धीमी की है, औसत 10 साल के लेवल पर, 10 साल का बच्चा भी इसे पढ़ सकता। Actually, the overall pattern of her progress is quite satisfying. और क्या कहा उसने कि वास्तव में कुल मिलाकर के जो उसका पैटर्न है प्रोग्रेस का, ठीक है, उनका जो प्रोग्रेस का यानी प्रगति का जो पैटर्न है प्रारूप है वह बिल्कुल सेटिस्फैक्ट्री है, क्वाइट मतलब बिल्कुल, और सेटिस्फैक्ट्री मतलब होता है संतोष। एंड ही पैटेड मार्गी हेड अगेन, और उसने दोबारा मार्गी के हेड को सहलाया। मार्गी नोज दिस, मार्गी नाराज क्यों हो गई, सी हैड बीन होपिंग, होप मतलब उम्मीद करना, तो वह आशा लगाए बैठी थी क्या दे टेक द टीचर अवे ऑल टू बी, कि ये जो काउंट इंस्पेक्टर है ये क्या करेंगे टीचर को जो है एक साथ ले जाए, ठीक है, यानी टीचर को खराब हुआ है मैकेनिकल टीचर, टीचर को इतना आदमी नहीं समझना है, ठीक है, मैकेनिकल टीचर जो खोल दिया था उसको काउंट इंस्पेक्टर ने कहा कि ये तो क्या करेंगे उसको अपने घर ले जाए, क्यों ऐसा एक बार हुआ था किसके साथ, टॉमी के साथ, दे हैड वंस टेकन टॉमीज टीचर अवे फॉर अ नियरली मंथ, कहता है इन लोगों ने ही क्या किया था, टॉमी के टीचर को महीने भर के लिए ले लिया, बिकॉज द हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंक्ड आउट कंप्लीट, तो टॉमी ने खराबी क्या आई थी, उनका हिस्ट्री सेक्टर जो है पूरी तरह से ब्लैंक आउट हो गया था, यानी पूरी तरह से खाली हो गया, मिट गया, ठीक है, हिस्ट्री का जो लेसन था बुक था वह पूरा पूरा खत्म हो गया था, मिट गया, तो इसलिए वह सोच रही थी कि मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ होगा मेरे मैकेनिकल टीचर के साथ, तो इसे भी ले जाएगा एक किस्मत कम से कम पढ़ना तो नहीं पड़ेगा। सो सी सेड टू टॉमी, इसलिए वह टॉमी से बोली, क्या उसने टॉमी से पूछा व्हाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल, क्या पूछ दिया कि भाई कोई स्कूल के बारे में क्यों लिखे, क्यों लिखेगा स्कूल के बारे, नंबर सिक्स में देखो, टॉमी लुक्ड एट हर विथ वेरी सुपीरियर आइज, यानी बहुत घमंड अपने आप को थोड़ा श्रेष्ठ दिखलाते थे, ठीक है, टॉमी ने देखा इसको हर यानी मार्गी को, बिकॉज जवाब दे रहा है क्यों लिखेगा, बिकॉज इट्स नॉट आवर काइंड ऑफ स्कूल स्टूपिड, मूर्ख, क्योंकि यह जो है ना हमारे जमाने का स्कूल नहीं, यानी इसमें जो उसमें जो रियल बुक जो मिली है कॉपी को उसमें जो कुछ वर्णन है स्कूल के बारे में वह हमारे आज के जमाने के स्कूल का है ना वर्णन,
उस माजे ने तो ऐसा स्कूल देखा ही नहीं कभी लाइफ में, इसलिए वो उसका कहना है कि भाई स्कूल के बारे में कोई क्या लिखेगा, क्योंकि स्कूल तो उसका अपना घर ही है। तो इसलिए टॉमी कहता मूर्ख कही, बेवकूफ कही, या आज के जमाने का स्कूल थोड़े ना है, दिस इज द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल, कहता ये पुराने जमाने का स्कूल है, that they had hundreds and hundreds of kids, जो लोगों को आज से सैकड़ों वर्ष पहले देखने को मिलते, आज का स्कूल ये सैकड़ों साल पहले का स्कूल। He added loftily, फिर उसने बड़े ही गर्व के साथ, ठीक है, loftily means proudly, उसने कहा प्रोनाउंसिंग द वर्ड केयरफुली, और वर्ड जो शब्द को बड़ी सावधानी से प्रोनाउंस करना, मतलब उच्चारण करना, ठीक है, याद रखना, क्या कहा, सेंचुरीज अगो, शताब्दियों पहले की बात है, मार्गी बोज, अब मार्गी को देखो पेड़ को पड़े रहे साथ कह दिया कांटे ने क्या, तो टॉमी को में चोट पहुंची, उनको वह आहत हो गई, ठीक है, हर्ट यहाँ पर आहत हो गया, ठीक है, उनको दुख हो गया जो डांट दिया टॉमी। वेल आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल दैट टाइम अगो, अब मार्गी ने स्वीकार कर लिया कि भैया मुझे नहीं मालूम था उस जमाने में कैसा स्कूल हुआ करता था। She read the book over his shoulder for a while, then said, "Anyway, they had a teacher." अब थोड़ी देर तक वह जो है ना कंधे के बगल से जो है टॉमी के कंधे के बगल से किताब को देख रही थी, पढ़ रही थी, या पढ़ लिया उसने जो भी किताब को, तब वह बोली क्या एनीवे दे हैड ए टीचर, क्या उन लोगों का कोई टीचर भी हुआ होता होगा। श्योर दे हैड ए टीचर, कहता है निश्चित रूप से उन लोगों के भी टीचर होते थे, बट इट वाजंट ए रेगुलर टीचर, यह कोई रेगुलर टीचर नहीं होता, ठीक है, रेगुलर टीचर से यहाँ पर मतलब है नॉर्मल टीचर, जो उस जमाने में यानी मार्गी ने जो टीचर देखा है अपनी लाइफ, ठीक है, उनका टीचर कौन है, रोबोटिक टीचर है, इट वॉज अ मैन। टॉमी बता रहा है उस जमाने का टीचर जो है इंसान अ मैन, हाउ कुड अ मैन बी अ टीचर, मैन इंसान, हाउ कुड अ मैन बी अ टीचर, इंसान भला कैसे टीचर हो सकता है, बिल्कुल ननाड़ी है, क्योंकि उसने लाइफ में बेचारी ने कभी देखा ही नहीं इंसान को टीचर के रूप में। वेल जस्ट टोल्ड द बॉयज एंड गर्ल्स थिंग्स एंड गेव देम होमवर्क एंड आस्क देम क्वेश्चंस, तो कहता है टॉमी देखो मार्गी उस जमाने के टीचर जो होते थे ना वे बॉयज और गर्ल्स को पढ़ाया करते थे एंड गेव देम होमवर्क और उनको गृह कार्य होमवर्क भी देते थे एंड आस्क देम क्वेश्चन और उनको सवाल भी पूछते थे। अ मैन इजंट स्मार्ट एनफ, अब मार्गी थी जो है यहाँ पर कह रही थी इंसान तो ज्यादा स्मार्ट भी नहीं होता, ज्यादा तेज भी था, चालाक भी नहीं होता जी, प्योर एज तो हमें कहता है नहीं बेशक होता है ना, माई फादर वॉज एज मच एज माई टीचर, का मेरे जो पापा है ना वे मेरे टीचर जितना जान, टीचर मीन्स हमेशा याद रखोगे यहाँ पर जो टीचर की बात आ रही है ना, ये जो टॉमी कह रहा है ये वाला टीचर है रोबोटिक टीचर, टॉमी कन्फर्म करता है क्योंकि मार्गी ने कहा इंसान तो इतना होशियार होता नहीं, चालाक होता नहीं, स्मार्ट होता नहीं, वो टीचर कैसे होता,
ऐसा नहीं होता है ना, एग्जांपल दिया था मेरे पापा ही तो उतना ही उतना जानते हैं, उतनी जानकारी रखते हैं, उतना नॉलेज रखते हैं जितने मेरे टीचर को। He knows almost as much I betcha. अब कहता है I betcha. I betcha means यहाँ पर bet you past speech. I am sure. अब कहता है मैं दावे के साथ कहता हूँ I betcha. मैं दावे के साथ कहता हूँ कि यानी नहीं तो फिर बाजी लगा लो तो इसी तरह से मैं दावे के साथ कहता हूँ He knows almost as much. यानी लगभग वे टीचर जितना जान। मार्गी wasn't prepared to dispute that. अब मार्गी जो है इस विवाद में विवाद करने को तैयार नहीं, तो dispute मतलब विवाद होता है। She said, वह बोली, I wouldn't want a strange man in my house to teach me. अब बिल्कुल अनाड़ी सी I wouldn't want a strange man, क्योंकि उनके घर में ही तो टीचर पढ़ाते थे ना, तो मार्गी कहती है कि मैं नहीं चाहती कि कोई अजनबी एक स्ट्रेंज मैन जो है मेरे घर में आकर मुझे पढ़ा। टॉमी स्क्रीम्ड विथ लाफ्टर, तो टॉमी छाका लगा करके यानी जोर से हंस पड़ा। यू डोंट नो मच मार्गी, क्या मार्गी तुम्हें कुछ पता। The teachers didn't live in the house. कहा टीचर्स जो उस जमाने के थे वे किसी के घर में थोड़े ना रहते थे। They had a special building. उन लोगों का एक विशेष प्रकार का बिल्डिंग भवन होता था। बिल्डिंग means भवन। And all the kids went there. और सभी बच्चे kids children went there. वहीं जाते थे, यानी स्पेशल बिल्डिंग मीन्स स्कूल। ठीक है स्टूडेंट्स, याद रखोगे यहाँ स्पेशल बिल्डिंग रेफर्स टू द स्कूल ऑफ द डे, आजकल का स्कूल जो है। एंड ऑल द किड्स लर्न्ड द सेम थिंग, और क्या कहा सभी बच्चे सेम थिंग यानी एक ही विषय एक ही वस्तु एक ही चीज को सीखते थे। श्योर If they were the same age, हाँ, लेकिन इस बात का ध्यान रखना पड़ता था कि उनकी उम्र क्या हो सेम हो, यानी जो सेम उम्र के बच्चे होते थे समान उम्र के जो बच्चे होते थे तो सेम वर्ग में सेम क्लास में पढ़ते थे तो सेम थिंग्स उनको पढ़ाया जाता था। ठीक है तो डियर स्टूडेंट्स आज हम लोग यहीं पर रुकेंगे और जो शेष भाग है इसका मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा। तब तक आप देखते रहें योर एकेडमी। मुनिलाल सर, जय हिंद जय।